पन्ना टाइगर रिजर्व में जारी है बाघों की गणना का कार्य। साइंस सर्वे के बाद अब कैमरा ट्रैप के माध्यम से की जा रही बाघों की गणना। लगभग 25 दिनों तक कैमरे के माध्यम से बाघों को किया जाएगा ट्रैप। आने वाली 25 मार्च तक पूर्ण होगा बाघों की गणना का कार्य। पन्ना टाइगर रिजर्व देश दुनिया में बाघों की पुनर्स्थापना के लिए जाना जाता है। वर्ष 2009 में जहां पन्ना टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो चुका था, अब वहां 70 से अधिक बाघ होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन दिनों पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना का कार्य पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दो फेज में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना की जाएगी। अखिल भारतीय बाघ आंकलन का कार्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार पर्यावरण एवं मौसम परिवर्तन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संपूर्ण भारत में प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इसी क्रम में पन्ना टाइगर रिजर्व में भी मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार अखिल भारतीय बाघ आंकलन वर्ष 2022 में फेज 1 डेटा कलेक्शन साइंस सर्वे के माध्यम से पूरा किया जा चुका है। फील्ड डायरेक्टर की माने तो साइंस सर्वे के बाद अब फेज 2 में कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघों की फोटो लेकर गणना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 800 वर्ग किलोमीटर का एरिया कैमरा ट्रैप के माध्यम से कवर किया है। 25 दिनों के लिए एक ही जगह पर कैमरा लगाए गए हैं। यह कैमरा अपने पास से गुजरने वाली वन्य जीव की फोटो निकाल लेता है और निर्धारित समय के बाद कैमरों में आने वाली फोटो के हिसाब से बाघों की गणना की जाती है। आने वाली 25 मार्च को बाघों की गणना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बाघों की गणना दो फेज में हम लोग करते हैं, एक तो जिसे हम साइंस सर्वे बोलते हैं या फेज 1 के रूप में बोलते हैं, वो कार्य हम लोगों द्वारा पूरा किया जा चुका है। माह जनवरी में पूरा किया गया है, 6 दिन का वो काम होता है। और उसके बाद में अब कैमरा ट्रैप के द्वारा बाघों की पिक फोटो लेने का कार्य जो है वो प्रगति पर है। तो ये दो चरण में हमारे पार्क में किया जाना है। तो पहले चरण में लगभग 800 वर्ग किलोमीटर का एरिया हम लोगों ने कैमरा ट्रैप के माध्यम से कवर किया है और 25 दिन के लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं एक स्थल पर, और ये कार्य हमारा 20 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। उसके बाद 1 मार्च जो शेष बचा हमारा एरिया है, उसमें हम 25 दिन के लिए कैमरा ट्रैप लगाएंगे। तो इस प्रकार 25 मार्च तक हमारे द्वारा ये कार्य पूरा किए जाना प्रस्तावित है। थैंक यू सर।